आज मेरे पास में व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त होता है। व्यक्ति बताता है, सर मैंने ना अपने ड्यूज जो है वो टाइम से क्लियर किए थे, बिल्कुल टाइम टू टाइम पेमेंट करता था, लेकिन जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो फिर भी डाउन हो गया। मैंने RBI से मदद मांगी लेकिन RBI ने मेरी किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं की। सर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया है और RBI से कोई सहायता नहीं मिली है, आखिर ये मामला क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे कि पेमेंट करने के बाद भी सिविल स्कोर डाउन क्यों होता है और अगर होता है तो आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें और नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है स्टार्ट करने से पहले वीडियो, देखिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत की हाल ही में, आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसमें आपको संपर्क करने के लिए हमारा जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आपको मैसेज करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको बतानी है और हम आपको कुछ ही मिनटों में हेल्प कर देंगे। बट ध्यान रखें ये हमारा चार्जेबल नंबर है। बट एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पर एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। और आपको एक और चीज बिल्कुल क्लियरिटी समझनी है, देखिए अगर हमें लगेगा ये आप सामान्य जानकारी ले रहे हैं तो हम आपसे सामान्य जानकारी के ही चार्ज लेंगे, कोई ज्यादा चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा। और सामान्य जानकारी जो है मेरी टीम के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी, या तो मेरे पास केस फॉरवर्ड किया जाएगा आपका अगर आप सामान्य जानकारी दे रहे हैं, या अगर मेरी टीम के पास में इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको दे देंगे। लेकिन अगर मेरी टीम को लगेगा कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा क्रिटिकल है और इसमें लीगल एडवाइजर की आवश्यकता है, देखो हम कोई लीगल एडवाइजर तो नहीं है बट हमारे साथ में मल्टीपल लीगल एडवाइजर जो है वो कनेक्टेड है, आपका केस जो है वो लीगल एडवाइजर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और लीगल एडवाइजर के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस जो है बता दिए जाएंगे, आप इस सर्विस का जरूर लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई आप जो बता रहे हैं कि आपने सभी ड्यूज वगैरह क्लियर किए थे लेकिन फिर भी आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ, आपने आखिर लिया क्या था, क्या आपने कोई पर्सनल लोन लिया था या फिर आपने कोई होम लोन वगैरह लिया था या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था, तो उसने मुझे बताया, राहुल सर मैंने ना क्रेडिट कार्ड लिया था और मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो ICICI का था। इसमें क्या था, मेरे को पूरी तरीके से लिमिट मिली हुई थी लगभग 60,000 रुपए के आसपास की, मैं जो भी बिल आता और जितना भी उसमें दो अमाउंट शो करते, एक तो मिनिमम अमाउंट और एक टोटल अमाउंट, तो मैं क्या करता मिनिमम अमाउंट पे कर देता। मैंने ऐसे कई बार किया तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला गया। बैंक से बात की तो बैंक ने कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी, RBI से बात की तो कोई खास इंफॉर्मेशन मुझे इसमें नहीं मिली। तो देखो सबसे बड़ी गलती तो आप यहाँ पे यही कर रहे थे, आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के जब मिनिमम ड्यूज क्लियर करते हैं और आपकी जो लिमिट है एग्जाम्पल के लिए 60,000 है और वो लिमिट 30-40,000 हो जाती है तो वो हाई यूटिलाइजेशन में आ जाता है और इससे आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये गलती आपकी थी, इसमें क्या RBI आपकी मदद करेगा और कैसे RBI ने आपके साथ धोखा कर दिया, आप पूरे तरीके से कंफ्यूज थे। मैंने उनको इस बारे में अच्छे तरीके से गाइड कर दिया। आपको भी इस चीज को समझना है, अगर आपने भी किसी बैंक के माध्यम से, किसी NBFC के माध्यम से किसी प्रकार का कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है या फिर कोई होम लोन वगैरह लिया है, तो आपको हमेशा जो अपना EMI वगैरह जो है वो टाइम से पे करना है, अपने क्रेडिट कार्ड की आपको फुल पेमेंट करनी है, आपको मिनिमम पेमेंट नहीं करनी है। और आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो आपको दोबारा लोन के लिए आवेदन तब तक नहीं करना है जब तक वो लोन क्लियर ना हो जाए। और आपको एक बात का और अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आप अगर किसी प्रकार का कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 30% से ऊपर नहीं जाने देनी है। अगर आप 30% से ऊपर यूज करोगे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो तब भी आपका सिविल स्कोर डाउन होगा ही होगा। आप अगर ये मान करके चल रहे हैं कि यार मैंने तो मिनिमम अमाउंट पे कर रखा है फिर भी मेरा सिविल स्कोर डाउन हो रहा है, तो भैया होगा ना, अगर आपकी लिमिट जो है 30% से ऊपर चली जाएगी तो 100% होगा। अब एक और केस था मेरे पास में, एक मैडम थी, उन्होंने मुझे बताया, राहुल सर मैंने ना एक पर्सनल लोन लिया था
और मैं कंटिन्यू पे कर रही थी उसको, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरा सिविल स्कोर जो है वो 40 पॉइंट गिर गया सीधा। मैं चौंक गया सुनकर के, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, अपनी जो सिविल की रिपोर्ट है वो लेटेस्ट देखो और मुझे दिखाओ, अगर आप नहीं देख सकती तो आप मुझे अपना पैन कार्ड नंबर दो, मैं चेक करके बताता हूँ। तो मैंने प्रॉपर तरीके से जब उनकी रिपोर्ट को देखा तो मैंने पाया उन्होंने होम लोन ले रखा है दूसरा, मतलब पर्सनल लोन क्लियर नहीं हुआ और होम लोन के लिए आवेदन कर दिया और होम लोन मिल भी गया उनको। तो भैया जो आपका सिविल स्कोर है वो तो गिरेगा ही ना। अगर आप बार बार लोन लेंगे, मल्टीपल लोन के लिए क्वेरी करेंगे, तो भाई सिविल स्कोर पर तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये बात आप समझ लो। अगर आपका सिविल स्कोर इस तरीके से नीचे हो जाता है, गिर जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30% तक ही रखना है, उससे ऊपर आपको यूज नहीं करना है, और आपको टाइम से फुल पेमेंट करनी है। आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ जो है वो बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने मल्टीपल लोन के लिए इंक्वायरी डाल दी है तो आप डरो घबराओ ना, आप पर्सनल लोन जो लिए हैं आप उसकी जो ईएमआई है वो टाइम से पे करते रहो, सिविल स्कोर अपने आप ही बेटर हो जाएगा। और ध्यान रखें आरबीआई ऐसे हेल्प आपकी जरूर करेगा, इस बात को आपको समझना है। और आप गलत स्टेप अपना रहे थे, आपको अगर दिक्कत थी तो आपको सिविल से ही कॉन्टेक्ट करना था, सिविल आपको बेटर तरीके से गाइड कर देता आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो ऐसा लोगों को लगता है कि पेमेंट करने के बाद सिविल स्कोर खराब होता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप टाइमली पे करोगे और बार बार इंक्वायरी नहीं करोगे तो कोई क्रेडिट स्कोर में प्रभाव नहीं पड़ता है, बेटर रहता है क्रेडिट स्कोर। धन्यवाद।